नमस्कार, नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी की चटनी। खट्टी मीठी मेथी की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये पूरी, कचौरी और मठरी के साथ खाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं मेथी की चटनी। ये हरी मिर्च, जो 10-12 हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट के रखी है। 2 आमी है, इसको मैंने ग्रेड कर लिया है। और ये है मेथी, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। भिगोने के बाद धो के, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए, इसको मैंने सोक कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं मेथी की चटनी। तो चलिए हम गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेल, थोड़ा सा डालेंगे हींग, जीरा, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। इसके साथ ही हम डालेंगे और मेथी दाना। इन तीनों चीजों को डाल के अच्छे से चलाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी, ताकि अच्छे से गल जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं हमारी चटनी कितनी तैयार है। देखिए, अब हमारी चटनी काफ़ी तैयार गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये हम रंग के लिए डालते हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, अगर किसी को तीखा खाना है तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दें। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर, सौंफ 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, चीनी हम 4 चम्मच डालेंगे, इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी चटनी। ये देखिए, हमारी चटनी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरा। ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको बर्तन में करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी ये चटनी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।